Hello everyone, hi guys, good afternoon. Hi Shimpi beta, good afternoon. Hello Aisha, hello Vishaka. आयशा मेंटी भी होगा बेटा, मेंटी अभी नहीं है बट मेंटी हम एक दो दिन में लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट मेंटी आयशा, ठीक है। हम लोग जल्दी ही मेंटी लेने वाले हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल आयशा, हम लोग मेंटी भी लेंगे बच्चा। हेलो अनुष्का, हाय आदिल, हाय बेटा। आई एम फाइन आदिल, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो फाइन एंड आई होप यू ऑल आर गुड गाइज एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। चलिए सब लोग आ गए हैं, बिल्कुल संचित मेंटी भी होगा बच्चा। आयशा इज न्यू टू द चैनल, वेलकम आयशा, वेलकम टू करियर पॉइंट एनटीएससी यूट्यूब चैनल। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टू गेट अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट थिंग्स। ओके, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है आयशा। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 में इसलिए लेकर आई हूँ कि बहुत सारे बच्चों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करना था, क्वेश्चंस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट के करंट हम करेंगे, टॉपिक आगे पीछे ही आते हैं, तो इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर। ओके बिल्कुल संचित, जल्दी होने वाला है मेंटी, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम फाइन राघव, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके गाइस, तो इसलिए आज हम अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना कर पाएंगे क्वेश्चंस। हेलो ऋषि, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। और ये जो स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज होनी चाहिए, तो फटाफट से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, और हाँ सेशन को लाइक जरूर कर देना है। हेलो हार्दिक आ गए हैं, हार्दिक। ओके आ रहे हैं सब लोग, धीरे धीरे आ गए हैं, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दीजिए। गाइस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स हैं, ठीक है, कभी भी होने की बोर्ड्स न्यूज आए देना तो है ही सही, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, बीच में ये नहीं सोच के रोक देना है कि पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आई एम फाइन ऋषि, हाँ आशी, आशी मुझे नई लग रही है, हाय आशी बेटा। हेलो हेलो अबे, गुड आफ्टरनून। अच्छा मेंटी ज्यादा चाहिए हार्दिक, बिल्कुल अब से मैम ज्यादा मेंटी लेंगी, जल्दी जल्दी मेंटी लेंगी। हाँ अरे आदिल मैम, तुम मैम से सोशल साइंस भी पढ़वा लो यार, ठीक है, इंटीग्रेशन भी पढ़ा दो, ठीक है, देखते हैं हम इंटीग्रेशन पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते, वो आप असद सर से पढ़ लो, असद सर जरूर पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में, वैसे तो फिजिक्स में भी आता ही है बेटा, करना ही पड़ता है इंटीग्रेशन तो 11th 12th में जाके, और आईसीएसई वाले 10th में भी कर लेते हैं। सर्किट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है बेटा, इतने सारे इसीलिए करा रही हूं क्वेश्चंस ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। बालाजी पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु एनटीएससी के अंदर 140 आ रहे हैं बेटा, हम एक बार जब सब बच्चों के मार्क्स ले लेंगे तो हम आपको एनालिसिस करके बता पाएंगे कि आप कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बता देने हैं। शिम्पी भी आ गई है, शिम्पी चेंज करती रहती है अपनी आईडीज। ओके, तो तुम लोग अपनी बातें कर लो या मेरी सुन लो, ठीक है। हाय हेलो कर लिया हो आपस में, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस पहले तो जो नए हैं, मुझे नए लोग भी दिख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या है हम लोग नई नई चीजें लाते हैं, नए नए टाइप के मेंटी लाते हैं, सॉल्यूशंस लाते हैं पेपर के, तो तुमको पता रहना चाहिए कि कब क्या होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बिल्कुल संचित, आई ट्राई कि मैं ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊं आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, सेशन शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हाँ कमेंट कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों ने आंसर्स कमेंट में लिखे जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया, दैट इज वेरी गुड गाइज, ये स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट रितेश, हार्दिक, शिम्पी, ठीक है, जिन जिनका मुझे नाम याद है जिन्होंने आंसर दिए, ठीक है। हार्दिक कह रहे ओनली फिजिक्स बेटा, ऑलरेडी क्लासेस लग रही है ना बाकी सब्जेक्ट की, ठीक है, वो भी पढ़ा देंगे, क्या बात करी तुमने हार्दिक, वो भी पढ़ा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। एक एक कंबाइंड सेशन ले लेंगे हम यार, मेंटी ले लेंगे सारा मिक्स करके। बिल्कुल किर्चॉफ लॉ पे भी करा देंगे बेटा, अब है वैसे न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे, मेंटी में ले आएंगे, कोई बात नहीं। हाँ ऋषि, सॉरी भाई ऋषि का नाम मैं भाई किसी का भूल जाऊं तो याद दिला देना कि भी उन्होंने भी आंसर किया था, वेरी गुड, ऋषि ने भी आंसर किया था। तो गाइस अब मैं तुमको बता देती हूँ कि ई करियर पॉइंट आपको जिन लोगों ने नहीं किया है डाउनलोड वो कर लें, ठीक है, अपडेट कर लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें तुम्हें इस ऐप पर मिलती हैं, ठीक है। अच्छा मुन्ना, सॉरी शिम्पी के फोन में नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं शिम्पी, यहाँ से देखो कि वहां से देखो, बात तो एक ही है, बिल्कुल ऐसा वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओनली, ठीक है। और हाँ, कोई भी कोर्स या प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तुम, ठीक है, तो मैम के नाम का कोड यूज कर लेना है FN10, ठीक है, या फिर दूसरों को बता देना, अपने सीनियर्स वीनियर्स को जो भी कोर्स या प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं कि भाई मैम के नाम का, नाज मैम के नाम का कोड यूज कर लेना है, दैट इज FN10। तुमको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स या प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है गाइस। ओके, बिहार NTSC के PYQs चाहिए, ठीक है बेटा, ऐसा भी कुछ लेकर आते हैं। बालाजी सेइंग माय क्लासेस हेल्प हिम अलॉट, ओके बेटा, ठीक है, हम लोग तो कर रहे हैं जितना आपको हेल्प हो, वी फील हैप्पी कि हमारी वजह से बच्चों को कितनी हेल्प मिल रही है। ओके सो गाइस, सीपी सैट का एग्जाम है, सीपी स्टार तो तुम देके स्टार बन ही चुके हो, तो तुम्हें सीपी सैट एग्जाम भी देना है, दैट इज अ स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट। 5th of Jan तक बच्चा दिस एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, उसके बाद तुमको 50 रुपीज देने पड़ेंगे, बचा लो 50 रुपीज, 5th of Jan से पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। हेलो प्रशांत, हाँ विनायक, फॉर्म है बच्चा, सीपी सैट एग्जाम के लिए तुमको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म नहीं आप रजिस्ट्रेशन कह सकते हो। टिल 5th Jan इट इज फ्री एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे 50 रुपीज। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे फोन नंबर लिखा है, यहाँ पे अपनी क्वेरीज फोन करके पूछ लो तुम मैडम से, अच्छा तुम्हें वो लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, तो वहां जाके अपनी सारी क्वेरीज तुम पूछ सकते हो इस फोन नंबर पे 07446630500, ये लोग तुम्हारी क्वेरीज सॉल्व कर देंगे। पढ़ाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल पढ़ाना भी स्टार्ट कर ही रहे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट न्यूज देना भी जरूरी है, तो 12th बोर्ड के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं क्रैश कोर्स की, वो आप लोगों को अपने सीनियर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को पास ऑन कर देना है गाइस, ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट PCB के लिए कोर्स लाया गया है इन 100 डेज, वो भी आपको अपने फ्रेंड्स, कजन, सबको बताना है, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशांत, आप भी सीपी सैट दे सकते हैं। चलिए तो हम आ जाते हैं लेक्चर पे, तो मैं एक बार और जो लोग नए हैं उन लोगों को बता देती हूँ कि बेटा हमारा जो बोर्ड का पेपर है 80 मार्क्स का है जो हमेशा से होता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से थोड़े बहुत जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि तुम्हारे MCQs बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप MCQs, 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन है इन सेक्शन A, ठीक है, बिल्कुल रंजन मेंटी भी होगा बेटा, साथ वापस नहीं आई मैम कोड, ठीक है, तुम लोगों के लिए, ठीक है, वो वैलिडिटी बढ़ गई है। हेलो खान ऑफिशियल बेटा, गुड आफ्टरनून दिशा। सो गाइस, यहाँ पर सेक्शन A इज गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स, जो तुम लोग 20 में से 20 ला सकते हो, मुझे तुम लोगों पे इतना भरोसा है कि तुम ये पूरे 20 ला सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, 1 वर्ड MCQs, वेरी शॉर्ट, तो तुम जानते ही हो। तो यहाँ पर सेक्शन A में, ठीक है, सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस है, सेक्शन B के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं, सेक्शन C के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, 7 क्वेश्चन है, और सेक्शन D के अंदर 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के हैं, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट ही कर रहे हैं बेटा। हेलो राघव, हाय, तो ये पढ़ाना ही स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D, और मैं तुम्हें सेक्शन वाइज 1 मार्क, 2 मार्क के क्वेश्चंस कराऊंगी हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक पावर के आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, ठीक है, जैसे मेंटी में होता है, तो क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, और पहली बात, ठीक है, तुक्का मत मारना, सॉल्व करना है, लॉजिक बताना है मुझे इसका आंसर के साथ, आई वांट द लॉजिक, आई वांट द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन विद आंसर। इफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, एक रेजिस्टर के अंदर जो करंट है उसको 100% तक बढ़ा दिया, अज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, अज्यूम करना है कि टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। गुड आफ्टरनून शोएब, हाँ विशाखा, कल मैम का हॉलीडे था बेटा, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड दैन द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन विल बी, इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन, पावर में कितना इंक्रीज हुआ, अब देखो हर लाइन में तुमको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज का कुछ मतलब है, ठीक है। वो पकड़ने वाले जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो पकड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, हार्दिक का फटाफट आंसर आ गया सी, ऋषि का भी आ गया, सात्विक का भी आ गया, लेकिन मुझे लॉजिक भी बताना है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लॉजिक एक दो लाइन में बताओ लिख के, मैं तुमको खूब टाइम दे रही हूँ, एक दो लाइन में मुझे लिख के लॉजिक बताओ। क्वेश्चन आई होप सबको विजिबल है, दिख रहा है क्वेश्चन, सी है, शादमा ने भी कहा है, शिम्पी ने भी कहा है, राघव ने भी कहा है। अच्छा, ये JNV मनोज, मनोज का कुछ अलग ही मिल रहा है मुझे आंसर, मनोज कह रहे हैं बी। अच्छा, ये तो हार्दिक ने बताया, चलो थोड़ा कि I² R से होगा, ठीक है। सही बता रहे हो बेटा, वेरी गुड, आंसर सब लोग सही दे रहे हैं। सतीश भी सी बोल रहे हैं, ओके, चलिए I² RT से होगा। अच्छा, चलिए देखते हैं गाइस कैसे होगा। बाकी लोग बचे हैं कोई जिनको को बताना है कि मैम कैसे होगा? क्वेश्चन देख लो बेटा यहाँ पे। अच्छा, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज से क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये भी मुझे लिख के बताओ फटाफट। I² R से ही होगा, यस हार्दिक। अब यार टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज का मतलब ये है, मैं बताती हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, ठीक है। यस सतीश, वी आर गोइंग टू यूज I² R, P = ठीक है, ओके, हम I² R यूज करेंगे, नो चेंज इन टेम्परेचर। चलिए गाइस, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, C इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूं। इफ करंट आई, सबसे पहले तो पावर मान लो, तुम लोग पावर ले लो, P = I² R ले ली, पावर ले ली हमने इतनी। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि करंट जो है वो इंक्रीज किया 100% तक, लेकिन आर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस हमारी जो सेकंड पावर लेंगे हम, न्यू पावर होगी, जिसमें करंट बढ़ गया वहां सेम रेजिस्टेंस रहेगा। तो पहले तो तुम न्यू पावर लिख सकते हो, I' = I प्लस 100% I, 100% I मतलब I ही हो जाएगा, I + I यानी कि 2I। इतनी बात हो गई। गुड आफ्टरनून भारती, यस सात्विक, आर कांस्टेंट है बेटा, तभी तो देखो यहाँ यही आर यूज करूंगी, आई को चेंज करूंगी मैं पी के फॉर्मूला में, लेकिन आर को चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। अब P' निकालेंगे अपन, P' = I' का स्क्वायर R, ये आर सेम रहेगा, ठीक है। ये आर क्यों सेम है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है बच्चा, ठीक है। अब I' कितना दिया हुआ है हमको, 2I आया है, ठीक है, तो 2I² R यानी 4I²R, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीज इन पावर या चेंज इन पावर कितना होगा, इंक्रीज इन पावर कितना होगा बेटा, कितना हो जाएगा इंक्रीज इन पावर, P' - P, कितना इंक्रीज हुआ, तो P' कितना है 4I² R -P यानी I² R यानी कि 3I² R, और यहाँ I² R क्या है, I² R है P, तो यहाँ 3P, तो यहाँ P' - P 3P हुआ, यानी कि 300% तक इंक्रीज हुआ, ठीक है, 300% तक पावर इंक्रीज हो गई, ठीक है। समझ में आ गई बात, यस हार्दिक गुड, वेरी गुड, 3 टाइम्स। इतनी बात सबको क्लियर है? तो एक एक लाइन जो लिखी होती है ना क्वेश्चन में, बहुत काम की होती है। इस टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज का मतलब है रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, पावर बदली और करंट बदला है, ठीक है, पावर बदली है और करंट बदला है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस। कृष्णा भी है, अमान भी है, वालेकुम अस्सलाम बेटा अमान, हाय हेलो, एंड भारती भी है। लेकिन ये स्ट्रेंथ कम कैसे हो गई? क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं है गाइस, ठीक है, हमें सिर्फ क्वेश्चन की एक एक लाइन को पकड़ के चलना है और फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की बात हुई थी, इसलिए हमने पावर के साथ ये फॉर्मूला लिया। वोल्टेज और करंट की बात होती तो वी आई लेते, ठीक है, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात होती तो वी स्क्वायर बाय आर लेते, ठीक है। चलिए सबको समझ में, अच्छा पहले कहीं देखा, बिल्कुल देखा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन से बेटा दिखते ही रहते हैं ये क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चंस क्या है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, टीचर्स से पढ़ा है, तो आपको रिलेट कर जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अनन्या इज बैक, ओके हाय अनन्या। Moving on to this question guys, this one is not a tough one, calculation ही करना है। Electric heater is salted at 1500 watt, यानी इतनी पावर जो है वो यूज करता है। How much heat is produced per hour? कितनी, एक घंटे में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? थैंक यू अमान बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझको आंसर देना है फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक हीटर इज सॉल्टेड एट 1500 वॉट। बिल्कुल भारती, आई प्रे फॉर हर कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं बिल्कुल प्रे करूंगी, ठीक है, ओके। अब इसका इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है, हीट ही तो बतानी है निकाल के बेटा, कैलकुलेशन है ये। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं, ओके। सी आंसर मिल रहा है, ऋषि रामचरण इज सेइंग हाय बेटा, शिम्पी अमान ऋषि सेइंग सी, हार्दिक इज सेइंग डी, मुन्ना इज सेइंग सी, ओके, तनुष इज सेइंग सी, विजय इज सेइंग सी, अमान इज आल्सो सेइंग सी, अबू इज सेइंग ए, अबू सुफियान इज सेइंग ए, पक्का सी, शौर अनन्या इज सेइंग। चलिए सिर्फ एक ही इंसान ने सही जवाब दिया है, मतलब आप सब सी ए वाले गलत हो, क्योंकि आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी बेटा। कैसे होगा ये देख लेते हैं हम, कैसे होगा। कुछ नहीं करना आपको बेटा, आई स्क्वायर आर टी लगाना है, पी इंटू टी लगाना है, ठीक है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई स्क्वायर आर कितना होता है? पावर इंटू टाइम। पावर दिया है 1500 वॉट इंटू 1 आवर, 1 आवर है तो यानी 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5.4 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 जूल आएगा, ठीक है, ठीक है। 15 इंटू 6 करोगे, ठीक है, तो 540 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा वो, फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, हार्दिक ने सही दिया था आंसर, बाकी लोगों ने गड़बड़ कर दी। ऋषि अनन्या बेटा आप लोगों ने 10 की पावर 5 ले लिया, 5 नहीं होगा, यहाँ 15 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आएगा। कितने 4 जीरोस हैं, एक 540 का जीरो, 5 जीरोस हो जाएंगे, 54 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, इतनी क्लियर है सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मुझे थम्स अप देके बताना है, कोई बात नहीं, सिली सी मिस्टेक है, लेकिन बेटा ये मिस्टेक सिर्फ यहीं के लिए कोई बात नहीं कहूंगी, अगर आप एग्जाम में ऐसे मिस्टेक कर लोगे तो गए आप। तो अभी समझ गए ना, ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है, ध्यान से एकदम सॉल्व करना, गड़बड़ मत करना, ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी, वही तो करना है, बोर्ड्स में क्या होता है क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, कैलकुलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़े, समझ आ गया, वेरी गुड, हार्दिक ने करेक्ट किया, तो हार्दिक का नेम लिख देते हैं यहाँ पे, हार्दिक ने करेक्ट किया, हार्दिक का नेम भी लिख दिया, ठीक है। वॉइस राघव अब आ रही होगी बेटा, चेक करो एक बार, ठीक है। चलिए गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। ओके अच्छा, ये दो क्वेश्चन जो हमने किए 1 मार्क्स के थे, ये भी 1 मार्क का ही है, ठीक है। जो हमने पहले किया था वो भी 1 मार्क का ही था। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब नहीं करनी है शिंपी गड़बड़, ठीक है, ध्यान से करना है एकदम। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, 1 मार्क का है। ये पिछला वाला भी 1 मार्क का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What determines the rate at which energy is delivered by a current? This is indeed a simple one. एक लाइन का आंसर है What determines the rate at which energy is delivered by a current? चलिए ये तो आप 1 वर्ड में भी बता सकते हैं। आगे का is the rate at which energy is delivered by current तो हमें पता ही है। तो बताओ मुझे dash is the rate, चीटिंग मत करना कहीं से भी, और सिंपल है at which energy is delivered, ठीक है, delivered by a current. Dash is the rate. ओके शाबाश, सही जवाब दे रहे हैं सब। गोविंद, सूफियान, अंकित, मुन्ना, आयुष, मान्या, वेरी गुड ऋषि, खूब लंबा चौड़ा आंसर भी लिखा है। चाहो तो एक लाइन में खत्म कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर, पावर नहीं लिखना, इलेक्ट्रिक पावर लिखना, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है, व्हाइल आंसरिंग अ टेक्निकल क्वेश्चन इन अ सेंटेंस, ठीक है, वेरी गुड शाबाश बच्चा। इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया। दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक बार फिर याद दिला दूं, जब भी सेक्शंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है, जब भी आप सेक्शंस को अटेम्प्ट करो तो ए सेक्शन उठाया है तो पूरा ए ही खत्म करना। ए के 2 क्वेश्चन करके, सी के 3 क्वेश्चन करके, डी का 1 क्वेश्चन करके ऐसे नहीं करते। पूरा एक सेक्शन एक ही बार में करना है। उसमें उथल फुथल कर सकते हो कि सेक्शन ए का 3rd पहले कर लो, 1st बाद में कर लो, लेकिन एक सेक्शन एक साथ पूरा एक ही जगह एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए सेक्शन पूरा, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? भाई हार्दिक, मुझे तो विजिबल है तुम्हारे चैट्स। सब लोगों को क्लियर है चीज? आगे बढ़े, थम्स अप दे दो मैम को। मैम आगे बढ़िए, चलिए फटाफट थम्स अप दे दीजिए मैम को आगे बढ़ने के लिए। आज का जोश कम है तुम लोगों में, बोर तो नहीं पढ़ाई से तुम लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए, शिम्पी का जोश दिख गया, हार्दिक का दिख गया, मुझे धीरे धीरे बाकियों का भी दिख जाएगा, आयुष का भी दिख गया, और क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा टेक्निक समझ लो कितने नंबर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में तो फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, इतना कुछ टेंशन नहीं होती वर्ड लिमिट की, ठीक है। लेकिन जहां पर अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ ली तो एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे ना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, राघव, शिम्पी दीदी जो है वो मुन्ना दुबे के आईडी से आई हैं, ठीक है। तो मैं अब समझ गई हूँ, तो मेरी आदत हो गई है, तो इसलिए मैं उनको शिम्पी बोल रही हूँ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट इन 100 वॉट, ठीक है, ये तो इसकी रेटिंग हो गई। व्हाट इज व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी। जब सेम बल्ब को मैं 110 वोल्ट पे चलाऊंगी तो क्या पावर होगी? अब इसमें भी कुछ हिडन है, ठीक है, क्या चीज है जो दोनों कंडीशंस में सेम रहेगी, ये मुझे जरूर बताना है। हाय गोविंद, हाय बेटा। हार्दिक मैम को पता है तुम नीट जेई सारे चैनल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हो, ऐसे नाम रोशन करना है सबको हार्दिक की तरह। वेरी गुड। लेकिन पहले अभी ये पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है? ठीक है बेटा हार्दिक, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस। रितेश भी है, शाबाश। अच्छा रितेश, करंट सेम रहेगा, तुम श्योर हो? वेरी गुड आयुष। अब और झा जो है वो भी सही कह रहे हैं, रेजिस्टेंस सेम रहेगा दोनों कंडीशन में और आंसर भी मिलने लगा है। ऋषि और हार्दिक ने 25 वॉट आंसर कहा है। बेटा यहाँ से एक ही बल्ब है, एक कोई बल्ब है बच्चा, बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, रेजिस्टेंस फिक्स ही रहेगा, ठीक है? तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, और लेकिन यहाँ पर पावर चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने वोल्टेज सप्लाई बदल दी है, ठीक है? ओहो, हार्दिक को बड़ा ख्याल है सबका। चलिए वेरी गुड। प्रदीप, मुन्ना यानी कि शिम्पी, ऋषि, रितेश समझ गए हैं। राघव, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। शोएब ने भी ए कहा है, ए इज द राइट आंसर गाइस, लेकिन आएगा कैसे, ठीक है? बहुत लोग क्या होता है ना, एक दूसरे का भी देख लेते हैं या चीटिंग भी कर लेते हैं कहीं, ऐसा तो नहीं है? तुम लोग तो नहीं करते? ओके वेरी गुड हार्दिक, वी स्क्वायर बाय आर यूज करेंगे। चलिए कर लेते हैं यूज। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया हुआ है पहली कंडीशन में इतना, तो पहले पावर जो है, ठीक है, हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर। वोल्टेज और रेजिस्टेंस है हमारे पास, करंट की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सेम बल्ब यूज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है? तो वी स्क्वायर बाय आर से रखेंगे, तो वी स्क्वायर कितना है, 220 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, सॉरी अपॉन आर है। पावर हमारे पास 10 है, ठीक है, तो हम आर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 220 का स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है? ऐसे ही रख लो इसको, सॉल्व करेंगे, ठीक है? आगे आप न्यू पावर निकालेंगे, ठीक है? तो न्यू पावर हम पी डैश ले लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आर जो है वो सेम है, वी डैश ले लो वी को, ठीक है? तो ये वी डैश जो है वो कितना है, 110 का स्क्वायर। आर कितना है, ये हमने निकाला था 220 का स्क्वायर इंटू 10, ठीक है? इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 10 नहीं 100 वॉट है ना, सॉरी 100 वॉट है, ठीक है, 100 वॉट है, 100 है, ठीक है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100/4 यानी कि 25 वॉट आ जाएगा। तो नई पावर कितनी आई, 25 वॉट। क्लियर है बात? यस, वेरी गुड, वेरी गुड हार्दिक, शाबाश। तो न्यू पावर इज 25 वॉट, ठीक है, इतनी आ गई 25 वॉट। क्लियर है सबको? सब लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? हम आगे बढ़े, मैम को थम्स अप देके बता दें, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है? इट इज अ एमसीक्यू, 1 मार्क का एमसीक्यू है। क्लियर है गाइस? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, ठीक है हार्दिक? यहाँ हम ऐसे भी रख सकते हैं, हमें सॉल्व कम करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अनीशा इज बैक, हाय अनीशा, अनीशा इज बैक। अच्छा हार्दिक ने इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तुम्हारा फेवरेट भी है, तुमने बोला था। हाँ अनीशा, चलिए आगे बढ़े गाइस। चलिए शोएब ने तो थम्स अप दे दिया है, बाकी लोग बिल्कुल, शिम्पी ने भी दे दिया है। ओके आयुष भी कह रहे हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से 1 घंटे में, ठीक है, जब हम 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो कितनी हीट जनरेट होगी, ये मुझे आंसर और फॉर्मूला दोनों कमेंट सेक्शन में चाहिए। आंसर और फॉर्मूला दोनों, ये 2 नंबर का है बच्चा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आई वांट योर आंसर एज वेल एज दी फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, फटाफट। ओके दीपांशु कोई बात नहीं, खाना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाला सीन है ना, तो पहले पेट पूजा हो गई आपकी, तो अब आप ज्यादा एनर्जी में आए, कोई बात नहीं। एमसीक्यूज आप जो भी 3-4 निकले हैं आप बाद में देख लेना, लेकिन अभी 2 मार्क का ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 4 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं दीपांशु, आप वो फटाफट से बाद में देख लेना, ठीक है, सेशन ओवर होने के बाद। ओके, शक्ति स्वराज इज गिविंग द आंसर। लॉन्ग टाइम, काफी दिन बाद शक्ति नजर आए हैं। 4.8 × 10⁶। ओके, रेनू भी सही आंसर दे रही है। चलो मैंने बता दिया सही आंसर तो। ओके ओके, VIT यूज करेंगे मैम, शक्ति कह रहे हैं, शाबाश, सही जा रहे हो तुम लोग। डायरेक्ट तरीका बताऊंगी हार्दिक, एक लाइन का, ठीक है, बात तुम सही कर रहे हो। चलो बता दूं, VIT लगाएंगे बिल्कुल। वेरी गुड ऋषि, शोएब, शक्ति, दीपांशु, आयुष, हार्दिक, रेनू। CP है तो इलेक्ट्रिसिटी इजी है। ओहो, चलो ये तो है ही सही बेटा। चलिए गाइस, मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। हेलो अभी, हाय बच्चा, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। सो हमें 4 दिया है, पहले क्वांटिटीज लिख लेते हैं। 9 भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो लिखेंगे। 96,000 कॉलम, ठीक है, हमको टाइम दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है हमको पोटेंशियल डिफरेंस, 50 वोल्ट। अच्छा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट जनरेटेड H = I² RT, या फिर बोल लो VIT। अब ये I × T क्या होता है, Q, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का तो हमें काम ही नहीं है, V × Q कर लेंगे, तो H = V × Q, यानी कि 96,000 × 50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 × 10⁶, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4.8 × 10⁶। ये 96 को 5 से करोगे 480 आ जाएगा, ठीक है। 480 × 10⁴, यानी 48 × 10⁵। भाई जिनको नहीं समझ में आया उनको बता रही हूँ। फिर 4.8 × 10⁶ जूल हमारा हीट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज बेटा। अभी इसीलिए आपको शेयर करना है, ठीक है, इसीलिए आपको शेयर करना है चैनल को मैक्सिमम अमाउंट में, आपको चैनल के सेशंस को शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है, ठीक है। अभी बिल्कुल आप, ठीक है, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। मेंटी अनीशा, मेंटी जल्दी ही होगा, 1-2 दिन में होगा, कल या परसों होगा मेंटी। और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता लग जाएगा, मैं अपडेट करा दूंगी, ठीक है। क्लियर है, ओके, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, ठीक है, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। नमस्ते देवेश आ गए हैं, नमस्कार बेटा, हमारे संस्कारी देवेश आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड देवेश, आप आ गए हैं, अब आप क्वेश्चन करेंगे। शक्ति पूछ रहे हैं क्या चैप्टर आएगा, तो रिवील कर देती हूँ, अभी जो पढ़ा रही हूँ वही आएगा मेंटी में, ठीक है। अब इतना रिवील कर दिया, आगे मत पूछना कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो पढ़ा रही हूँ वहीं से आएगा। और वैसे रिलेटेड बाहर से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए गाइस, तो ये क्लियर है सबको। क्या मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं आप लोगों को? चलिए बेटा, V is proportional to I when R is constant, ठीक है, तो V is directly proportional to I, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps? तो यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पे काम करें, जहां पे उनकी जो रेटिंग है, पावर रेटिंग है, वो 10 वॉट हो. ठीक है, ठीक है गाइस, वेरी गुड शोएब, शाबाश. चलिए, तो यहाँ पर हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने लैम्प्स को कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल विद ईच अदर, इन्हीं बल्ब्स के लैम्प को कनेक्ट कर सकते हैं दो वायर्स के अक्रॉस. ठीक है, 220 वोल्ट की लाइन पर अगर मैक्सिमम अलाउेबल करंट हो 5 एम्पियर. अभी दिखने में तो बड़ा है लेकिन हो जाएगा. हार्दिक कैसे सवाल पूछते हो यार तुम, हद होती है, ऐसे सवाल ना पूछो यार. तुमको क्या करना है, रिश्ता लेके आओगे कहीं से? चलो, अच्छा आंसर तो सही दे रहे हो तुम लोग, 110 बल्ब्स. जरा मुझे फॉर्मूला भी बताओ, फॉर्मूला लिख के बताओ भाई. आंसर सब सही दे रहे हैं. मेंटी होगा बेटा, बहानेबाज मेंटी भी होगा, और आपको जल्दी ही मेंटी होगा, जल्दी ही पता लग जाएगा. ठीक है, चलो गाइस, मेंटी होगा, जल्दी आंसर सही दे रहे हैं सब. 110 बल्ब्स इज द राइट आंसर. लेकिन बच्चा, मुझे फॉर्मूला बताना है कि तुमने क्या फॉर्मूला यूज किया है. यहाँ पे दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं अपन. एक तरीका तो मैं तुमको पहले बता चुकी हूँ जो कि शॉर्ट है, और एक तरीका मैं तुमको आज बताने वाली हूँ. नहीं भैया राघव, ऐसे चैलेंजेस में देती नहीं हूँ. ठीक है, ऐसे चैलेंजेस में नहीं देती हार्दिक को या किसी को भी. ठीक है, चलो पढ़ाई कर लेते हैं. हाँ देखो भाई, देवेश मैम के पीछे पड़े हैं ये लोग, मैम से ऐसे सवाल पूछते रहते हैं. ऐसे नहीं करना चाहिए, बैड मैनर्स. चलो क्वेश्चन करो तुम लोग. चलो हार्दिक तो आ गए लाइन पे, क्वेश्चन कर रहे हैं अब. अच्छा, v² अपॉन r इक्विवेलेंट से vi इंटू 10 इंटू नंबर ऑफ बल्ब्स. शाबाश यार, बड़े सही जा रहे हो. और लोग जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट. बेटा ये भी 2 नंबर का है, पहले ही तो मैं तुमको बता दूं, ये भी 2 नंबर का है. ठीक है, तो हम 2 तरीके से करेंगे. ठीक है, मैं तुमको 2 तरीके बताऊंगी. अगर 1 नंबर में आता है तो क्या करना, और 2 नंबर में आता है तो क्या करना. ठीक है, मैं तुमको 2 तरीके बताऊंगी. वेरी गुड, बाकी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैम को शाबाश. चलो सबसे पहले 2 मार्क्स का देखेंगे. ठीक है, हाँ पहले आर फाइंड करेंगे फिर पैरेलल में रख देंगे. ये भी बिल्कुल सही है आयुष. हाय जया, हाय बेटा. देखो सबसे पहले तो 2 मार्क्स में आया है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है. और अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए, 1 नंबर में पूछा जाए, 1 वर्ड में, 1 सेंटेंस टाइप में पूछा जाए, तो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी. ठीक है, सबसे पहले तरीका क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम. ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, पहले तो आर निकालेंगे. तो पी कितना होता है, v² अपॉन r होता है. ठीक है, यानी कि हम r निकाल सकते हैं v² अपॉन p से. तो v² कितना दिया है, 220. 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है, 10 वोल्ट फर्स्ट कंडीशन में. तो ये रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन में पैरेलल में लगाएंगे तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमें इक्विवेलेंट लगाना है पैरेलल का अपॉन 10. तो ये आ जाएगा अपना 4840 अप्रॉक्स. ठीक है, 4840 ओम. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है, आर इक्विवेलेंट. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो पैरेलल में बेटा क्या होता है, पैरेलल में इतने बल्ब्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन हो जाएगा. तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन, यानी कि 4840 अपॉन एन. तो अपने पास आर इक्विवेलेंट आ गया. क्लियर है, क्लियर है बेटा. तो यहाँ पे हम पहले आर निकालेंगे, क्योंकि हम हर बल्ब का, एक बल्ब का आर निकालेंगे 4840. अब वो सारे बल्ब अगर अपन पैरेलल में लगा दे तो इक्विवेलेंट कितना होगा 4840 अपॉन एन। और ये एन क्या है? नंबर ऑफ लैम्प्स या बल्ब्स कह लो, कुछ भी कह लो, लैम्प्स या बल्ब्स, यही अपन को निकालना है क्वेश्चन में। यहाँ अपन को निकालना ही एन है, ठीक है, एन ही निकालना है। ये चीज आ गई। अब वापस हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला, आराम से लग जाएगा और आंसर भी आ जाएगा हमारा। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, सॉरी पावर का नहीं, हम वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे। V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। V हमारे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट सेकंड केस में, ठीक है। I हमको कितना दिया है? 5 एम्पियर। और आर हमारा कितना आया है इक्विवेलेंट में? 4840 अपॉन एन। इसको सॉल्व करोगे तो एन इक्वल्स टू 110 आ जाएगा। तो 110 लैम्प्स लिख लो या बल्ब्स लिख लो। इतनी बात क्लियर है सबको? 110, वेरी गुड शोएब, आयुष, हार्दिक, वेरी गुड। तो ये चीज क्लियर है। अब एक और तरीका है, एक और तरीका है, तुमको फॉर्मूला पता है, ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई होता है, ठीक है, पावर इक्वल्स टू वी आई। एक बल्ब की पावर कितनी है? 10 वॉट है, तो n बल्ब्स की कितनी हो जाएगी? n इंटू 10। वोल्टेज दोनों केसेस में सेम है, 220 वोल्ट ही है, और मैक्सिमम अलाउेबल करंट कितना है? 5 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालोगे 210 इंटू 5 बाय 10, तो ये आ जाएगी 110। तो ऐसे भी निकल सकता है, जो कि मैंने आपको पहले कराया है, एक अलग मतलब डिजिट्स अलग थे क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन था, तो ऐसे भी निकल सकता है। तो अगर एक नंबर में पूछा जाए, आपके पास टाइम ना हो, एमसीक्यू हो, तो ऐसे भी सॉल्व कर देना, ठीक है। और ये भी तरीका है, दोनों तरीके है सॉल्व करने के। क्लियर हो गई बात? शॉर्ट तरीका है, लेकिन 2 नंबर में पूछा जाए तो बेटा ये करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 1 नंबर में पूछा जाए, एमसीक्यू पूछा जाए, तो ये सुइटेबल है मेरे हिसाब से, आपको ये करना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो थम्स अप भी मिलने लग गए आगे बढ़ने के लिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप अच्छा सेशन में मजा आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है ये भी बताना है मैम को कि मैम मजा आ रहा है नहीं आ रहा। देखो नहीं वाली तो बात होनी नहीं चाहिए, आ रहा है बोलना, और आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए 2 लैम्प्स, 2 लैम्प्स है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी, और बात भी 2 लैम्प्स की हुई है, ठीक है। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, the other rated 60 volt at 220 volt. Now they are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply is 220 volt? वो same ही है, तो अब current बताओ कि कितना लेगा वो line में से, कितना draw करेगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, चलो दिल खुश कर दिया। हाँ, एक लंबा वाला अप्रोच भी सही है बेटा, ठीक है। शॉर्ट मैंने तुमको बताया इसलिए ताकि तुम MCQ वगैरह में लगा दो, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। हाँ दीपांशु, सेकंड वाले को थोड़ा बड़ा चढ़ा के कर देना, ऐसे लिख देना P पावर इतनी है करंट। लाइन भी लिख सकते हो ना, कि अगर आप ऐसे लिख सकते हो दीपांशु कि एक बल्ब का 10 वॉट है तो हम n बल्ब्स लगाएंगे तो 10 इंटू n हो जाएगी उनकी पावर, ठीक है। और वहां वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट और मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर है। तो अगर आपको फर्स्ट अप्रोच नहीं आ रही हो, याद ना हो रही हो, नहीं कर पा रहे हो, तो सेकंड अप्रोच को थोड़ा सेंटेंसेस में बड़ा करके कर देना बस, ठीक है। अच्छा आंसर मिलने लग गए, 0.73 एम्पियर। शक्ति, हार्दिक, आयुष, अच्छा जूस लॉ ऑफ हीटिंग से V²/R, ओके। चलिए आंसर्स तो मिल रहे हैं मुझे, क्या ये आंसर सही है? आप क्वेश्चंस देखो को ध्यान से देखो एक बार। बेटा एक फॉर्मूला है बस पावर का, वो लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलो मैं बताती हूँ, देखो P इक्वल्स टू वी आई होता है, ठीक है। पहले तो हम I1 दिखा लेंगे, ठीक है, तो P1 I1 कर देते हैं और P2 I2 कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात? I1 निकाल लो, I1 निकाल लेंगे P1 अपॉन V, T1 कितना है 100/V यानी कि 220, तो ये कितना हो जाएगा 5/11। तो I1 हो गया 5/11 एम्पियर। I2 भी निकाल लो ऐसे ही, ठीक है। P2/V, P2 कितना दिया है 60/220, तो ये हो जाएगा 3/11, ठीक है। तो I2 कितना हो जाएगा 3/11। अब एक बात और एक लाइन लिख देना, सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो देयर करंट विल बी एडेड टू गिव द टोटल करंट, ठीक है। ये लाइन लिख देना सिंस, अच्छा इंप्रेशन डालना एग्जामिनर पे, सिंस, ठीक है। Since the two lamps are connected in parallel, so the total I current, ठीक है, will be equal to the sum of individual currents, ठीक है। ये लाइन आप लिख सकते हैं, बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। शॉर्ट में अपनी कुछ शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। तो I कितना हो गया I1 + I2 यानी कि I1 कितना है 5/11 + 3/11 यानी कि 8/11, ठीक है, यानी कि 0.73। जिसने 16/22 दिया था वो भी सही है बेटा, ठीक है। 0.73 यानी कि I आ जाएगा हमारा 0.73 एम्पियर। डब्बे वब्बे बनाते ना थोड़े दिखा देना यार एग्जामिनर को। करेक्ट है आयुष का, वेरी गुड। नहीं है बेटा अनीशा मुश्किल कुछ भी। मैम इतने सारे क्वेश्चंस करा रही है ना, अब मुश्किल नहीं होना चाहिए, यही तो शक्ति तुम्हें शेयर करना है सेशन को, ठीक है। चलो क्लियर है ये चीज सबको? क्लियर है मुझे बताओ, ये चीज सबको क्लियर है? क्लियर है? ये आगे बढ़े, थम्स अप देके बता दो। मैम तो ये भी 2 मार्क्स का था बेटा, प्रदीप सिंह हलवा है, बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से किया तो हलवा ही है सब हमारे लिए, ठीक है। नहीं डरना इलेक्ट्रिसिटी से बेटा, सिर्फ करंट से डर लगना है जो घर में लग जाता है कभी कभी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से नहीं डरना है, ठीक है। अनीशा क्वेश्चंस करते चलना है, मैम जैसे क्वेश्चंस करा रही है वैसे करते चलना है, ठीक है। चलो क्लियर है? आनंद की अनुभूति हो गई, मतलब क्लियर ही है एकदम, और खुशी भी हो गई एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, लेकिन दिस वन इज सिंपल फॉर यू। आई नो यू कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट एनी इनकन्वीनियंस, फटाफट से, ठीक है। तीन नंबर का क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए, फटाफट मुझे इसका आंसर दो बेटा। दोनों की अलग अलग पावर्स का रेशो निकालना है, निकालो बेटा। कूल इट अप, मैम इज कूल नॉट टायर्ड नाउ, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे आंसर निकाल के बताना है इस क्वेश्चन का। 2 रेजिस्टर्स, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस R और 2R है, उन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें कैलकुलेट करना है पावर का रेशियो दैट इज कंज्यूम बाय R and 2R। देखते हैं कि किसका सही होगा। ऋषि ने सबसे पहले आंसर दिया 2:1, शक्ति ने दिया 1/2। अच्छा, पैरेलल में लगे हैं क्या सेम होगा, याद करो पैरेलल में लगे हैं क्या सेम होगा। रेजिस्टेंस तो अलग दे ही रखा है, पैरेलल में क्या सेम होता है। शिम्पी आ गई है अपनी आईडी से, शोएब कह रहे हैं 2:1, 1:4 दीपांशु, कुछ अलग। यार इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो यार तुम, ऐसे तो ना करो। अच्छा हार्दिक कह रहे हैं 3:1। ओके ओके, अलग अलग वेराइटी के आंसर मिल रहे हैं मुझे, मतलब तुम लोग लुढ़क गए बेटा इस क्वेश्चन में। 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, ऋषि एंड शोएब। 2:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऋषि एंड शोएब ने सही जवाब दिया है। नाम तो लिख ही दे यार। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक का माइंड मत करना बेटा। ठीक है मैडम, की स्पेलिंग मिस्टेक का नाम की माइंड मत करना। SHOAIB लिखा है मैंने, हाँ ठीक है सही लिखा है। ठीक है, 2:1 इज द राइट आंसर। एंड हाउ, पहले तो 2 रेजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस R है, दूसरे का 2R है, उनको पैरेलल में लगाया। अब दोनों में अलग अलग पावर का रेशियो निकालना है। वोल्टेज सेम रहेगा, V will be same, ठीक है, as resistance R and 2R are connected in parallel। ठीक है, पैरेलल में लगे हैं इसलिए सेम होगा। ठीक है, बात हो गई इतनी। अब फॉर्मूला लगा दो, पावर 1 निकाल लो। P1 इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय R फर्स्ट इक्वेशन। P2 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2R सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, निकालना क्या है हमें, P1 बाय P2, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन 2R। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट, R से R कट, ऊपर चला जाएगा तो 2/1, यानी कि P1:2, P2:2, 2:1। ये हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड राघव, आपने दिया, लेकिन आपका आंसर मैम नहीं देख पाई, कुछ और सोच लिया हार्दिक। यही नहीं सोचना था बेटा, सीधा सीधा था कि भाई रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय R एंड 2R। ठीक है, तो R ने तो P1 करी, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय R ये हो गई, और ये वाली हो गई पावर कंज्यूम्ड बाय 2R। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, कुछ लोग मुझे अंडरस्टूड, कुछ लोग कह रहे थे मैम इसका PDF अवेलेबल नहीं है। बेटा PDF है, फ्री सेक्शन पे है, E Career Point ऐप पर फ्री स्टफ में जाना, वहां पर तुम्हें 10th की क्लास के सेक्शन में ये क्वेश्चंस, ये PDF मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा राघव, चलो मैम ने अभी देखा यार, अभी तुम बोल रहे हो तो देखते हैं। मैम ने नहीं देखा, सॉरी मैम क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई। ठीक है, चलो चलो गाइस, क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडरस्टूड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो 3 मार्क्स। चलो फटाफट बता दो करके यार। ठीक है, हम A यहां करेंगे और B यहां करेंगे। चलो फटाफट मुझे दोनों केसेस में आंसर बता दो कि क्या होगा, दोनों केस में जो पावर है वो कितनी आएगी। ठीक है, मुझे दोनों केसेस में पावर बता दो फटाफट। ठीक है देवेश, मिल जाएगा PDF फ्री स्टफ सेक्शन में, मिल जाएगा तुमको। ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर तुमको पूरा खोल के भी बता दूंगी। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है बेटा। फ्री स्टफ सेक्शन में 10th बोर्ड 9th बोर्ड सब सर्च करना। वैसे तो 10th बोर्ड में ही, सॉरी 10th क्लास में ही है, उसके अंदर मेरे वीडियोज के साथ PDF है। ठीक है, हाँ शीशी CBSE के ही लिए है बेटा, CBSE के ही लिए है। चलो दोनों केसेस में मुझे पावर बताओ फटाफट। अच्छा, दोनों में 8 ओम होगा, हार्दिक इज सेइंग, लेट्स सी बाकी लोग। ओके, दोनों में 8 होगा हार्दिक कह रहे हैं। फिर इसके बाद आपको मिलेगा एक होमवर्क क्वेश्चन। A में 12, B में 1.4 नहीं। ध्यान से अब आंसर देखो, दोनों में 8 होगी, हार्दिक इज राइट। देखो, कंपेयर द पावर इन 2 ओम। 2 ओम वाले में बताना है, 2 ओम मार्क कर लो। पहले तो देखो, पहले केस में देखो 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, एक 1 ओम का है एक 2 ओम का है, इनके साथ सीरीज में 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब पूरे सीरीज के अंदर जो करंट जाएगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल में सेम रहेगा, मतलब दोनों के अंदर जो करंट जाएगा ना वो सेम जाएगा, ठीक है। तो आई दोनों का सेम है तो पहले करंट निकाल लो फिर पावर निकालना, तो करंट निकाल लो, ठीक है। सिंस, ठीक है, दे आर इन सीरीज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, सो करंट विल बी इक्वल इन 1 ओम एंड 2 ओम, ठीक है, रेजिस्टर्स। तो करंट निकाल लो, ठीक है। आई कितना होता है V अपॉन आर, वोल्टेज कितना है 6 अपॉन आर, 1 प्लस 2 यानी कि 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। अब 1 ओम में भी 2 एम्पियर जा रहा है, 2 ओम में भी 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज का पूरा निकालना पड़ेगा अपन को, तब अपन को पता चलेगा कि 1 और 2 में कितना है। तो 1 में भी 6 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 2 में भी। अब अपन को काम 2 से है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, करंट है, तो P का फॉर्मूला है I, इसका 2 ओम का करंट कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 वॉट आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई इस केस के अंदर। 5 मार्क्स का भी है बेटा, डोंट वरी हार्दिक, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस दे आर इन पैरेलल में है तो वोल्टेज बराबर होगा, यानी ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस यूज करके अपन इसका करंट निकालेंगे। 4 वोल्ट जो है वो 12 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, लेकिन करंट अलग है दोनों का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस दे आर इन पैरेलल, सो पैरेलल में है, ठीक है, सो वोल्टेज विल बी सेम, सो वोल्टेज विल बी सेम या इक्वल 4 किसके लिए 12 ओम और 2 ओम के लिए, 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो यहां पर तुम करंट निकाल सकते हो, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, वोल्टेज कितना दिया है 4 दिया है, 2, ठीक है, तो यह आ गया 2 एम्पियर। P इक्वल्स टू I स्क्वायर R से, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 से तुम निकाल सकते हो 8 वॉट। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है बेटा, हाँ इसीलिए करा रही हूं रिवीजन देवेश। क्लियर है ये चीज सबको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं तुमको बता दूंगी टेक्निक, तुमको सॉल्व करना है। तो पहली चीज पूछी है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद एसआई यूनिट, तो ये तो आप आराम से बता सकते हो, द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन करंट, ठीक है। तो वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एसआई यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, जूल है, ये आप बता सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात। यहाँ पे बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अप्लायंसेस का करंट और टाइम दिया है, तो बेटा पावर इंटू टाइम होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी 400 इंटू 10, ठीक है, वॉट आवर, उसको किलोवॉट आवर में कन्वर्ट करना, प्लस 2 इलेक्ट्रिक फैन है तो 2 इंटू 80 प्लस 12 यानी कि वॉट आवर में कुछ आएगा, उसको किलोवॉट आवर में कन्वर्ट करना। फिर 6 ट्यूब्स है, 6 इंटू 18 इंटू 6, ठीक है, उसको किलोवॉट आवर में कन्वर्ट करना, तीनों को ऐड करना, तो एक दिन के अंदर ये तीनों की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मिल जाएगी। फिर आपको बोला है कि 1 महीने में, तो इंटू 30 करना, 1 महीने की पूरी हो गई। अब भाई बिल कितना आएगा, 1 यूनिट का 3 रुपीज है, 1 किलोवाट आवर का 3 रुपीज है, तो जितने भी किलोवाट आवर टोटल आ रहे हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आंसर इन कॉमेंट, आंसर इन कॉमेंट, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। लेट्स सी कौन कितनी जल्दी मुझे आंसर बताएगा, कौन कितनी जल्दी मुझे आंसर बताएगा। मैं चेक करूंगी, ठीक है, सही आंसर यूनिट्स प्रॉपरली लगाना, किलोवॉट आवर में बदल लेना, 1 किलोवॉट आवर यानी 1 यूनिट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मैम। थैंक यू गाइस पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, चीजों को सही आंसर देने के लिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए भी। तो जो गलतियां अभी कर रहे हो उन्हें बाद में नहीं करनी है, ठीक है। सो वील मीट इन नेक्स्ट क्लास। अभी बायो का टाइम हो गया है, बायो का इंटरेस्टिंग सा सेशन मिताली मैम लेने वाली है, तो कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है बायो के सेशन के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हो सकता है मेंटी में भी मिल ले। तो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी नाइस डे।